खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 3 फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को 3 महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख था। मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मंत्रालय ने बयान में कहा कि बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें, लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार में किसी भी तरह की अड़चन ना आ पाए। बयान में कहा गया है कि इस कदम से अनुचित व्यवहार, मसलन जमाखोरी, काला बाजारी पर रोक लगेगी। राज्यों को खाद्य तेलों के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिदृश्य के बारे में भी बताया। राज्य को इस बात की जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें किस तरह से भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही है। खाद्य तेलों के मामलों में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है, थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल, थोक उपभोक्ताओं की खुदरा दुकानों मसलन बड़ी श्रृंखला और रिटेलर के लिए यह सीमा 30 क्विंटल और उनके डिपो के लिए 1000 क्विंटल है। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिन के बराबर का स्टॉक रख सकते हैं। वहीं तिलहनों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 100 क्विंटल और थोक कारोबारियों के लिए 2000 क्विंटल है। खाद्य तिलहनों के प्रसंस्करणकर्ता 90 दिन के खाद्य तेलों के उत्पादन के बराबर तिलहनों का स्टॉक रख पाएंगे। इस आदेश के दायरे में निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ बाहर रखा गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।